वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए, कल मैंने आपको बोला था कि पुराना आपको रिवाइज करना है, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट करनी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि कल आप पढ़े होंगे और आज क्लास शुरू करने से पहले आप भी पुरानी कॉपी देख रहे होंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के लिए जाओ, अगर नहीं पढ़ी है तो पहले वीडियो को बंद करो और फिर पहले कॉपी देख के आओ और उसके बाद वीडियो चालू करो। आज कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। चलिए, कल हमने पढ़ा था कि ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम के ऊपर एक क्वेश्चन भी किया था और उससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दिखाए थे आपको कि विद्युत परिपथ के अंदर कुछ विद्युतीय उपकरण जोड़े जाते हैं और वो उपकरण क्या होते हैं और किस तरीके के होते हैं। तो आज मैं चाहूंगा कि वो उपकरण आपको दिखाऊं ताकि आपको पता चले कि उपकरण होते किस तरीके के हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कुंजी की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके की कुंजी होती है और इसके अंदर ये होती है कुंजी और ये इसमें एक तार इधर लग गया, दूसरा वायर इसके इधर लग गया। दोनों वायर लगने के बाद इसमें यहाँ पे छेद दिया होता है जिसमें हम इस कुंजी को लगा देते हैं। अगर ये कुंजी लगी होती है तो स्विच क्या रहता है, ऑन रहता है, और अगर ये कुंजी आपने बाहर निकाल ली स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी जब हम इसका ओम के नियम का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें हमारे पास ये काम आने वाला है, इसलिए ये सारी चीजें आप एक बार देख लो। ये होता है बच्चों वोल्टमीटर, जिसमें यहां पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहां पे अंदर लिखा हुआ है वी। क्या लिखा होता है? वी। और ये जो वी लिखा होता है इसका मतलब ये वोल्टमीटर है और रीडिंग जो भी देगा वो वोल्टेज में देगा। यहां पर आप देख पा रहे हो कुछ नंबर लिखे हुए हैं और ये एक सुइया बना होता है। क्या बना है? एक सुई बनी होती है जो कि आप जैसे ही यहां पे एक तार लगाओगे और यहां पे एक तार लगाओगे तो दोनों कनेक्शन हो जाएंगे। एक धनात्मक लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे प्लस डीसी मूविंग कॉइल, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये वाला सीधा ऋणात्मक साइड में जोड़ेंगे, ये धनात्मक साइड में जोड़ देंगे। क्लियर है? अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तार क्यों लगाया आपने, तो तार मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि ये किसको दर्शा रहा है। जब भी हम वोल्टमीटर को लगाते हैं तो समांतर क्रम में लगाते हैं, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं, इसलिए इसको समांतर क्रम बनाना पड़ेगा। तो एक तार इधर से लग गया, जैसा कि ये मान लो बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी से ये तार आ रहा है जिसको मैं यहाँ पे तोड़ रहा हूं। मान लो ये लाल वाला बटन है, इस लाल पे मैंने यहाँ पे ये जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वोल्टमीटर लग गया और बीच में हमने एक प्रतिरोध लगाया था। क्या लगाया था? प्रतिरोध। वो प्रतिरोध यही वाला प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध हो गया और इसी के सिरों से यहां से ये लग गया वोल्टमीटर और इसका दूसरा सिरा है वो इसके यहाँ पे जोड़ दिया। बात समझ आई? या फिर इसके अरेंजमेंट में देखोगे आप तो क्या हो रहा है, आपने यहां पर एक सिरा जोड़ा इसका और एक सिरा जोड़ा इसका, जो कि ये क्या दिखा रहा है, एक बॉक्स है जो वोल्टमीटर को दर्शा रहा होगा। और इस वोल्टमीटर से आपने एक तार जोड़ा हुआ है जो कि क्या है, प्रतिरोध है। तो ये क्या हो गया, उसका समांतर क्रम दर्शाने के लिए ये तार है और इसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध होता कुछ नहीं है, प्रतिरोध सिंपल तार होता है, जो आपके घरों के तार है वो भी प्रतिरोध ही है, क्योंकि सबके पास प्रतिरोध है और हर कोई एक तार प्रतिरोध का काम करता है। सेम इसी तरीके से ये है आपका एमिटर। क्या है? एमिटर। और एमिटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा नापने के लिए। और इसको हम कैसे लगाते हैं, ये जो बैटरी थी, ये एक बैटरी है, इससे हमने लगा दिया था एमिटर, एक सिरा यहाँ जोड़ दिया, एक दूसरा सिरा इसके आगे जोड़ दिया, इसमें बीच में कोई तार नहीं लगा हुआ। कोई तार इसलिए नहीं लगा हुआ है क्योंकि इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए किसी भी प्रतिरोध को बीच में लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा, और जब समांतर क्रम में हो जाता है तो विद्युत धारा का मान परिवर्तित हो जाता है, विद्युत धारा बंट जाती है, इसलिए कभी भी समांतर क्रम में नहीं लगाते। तो इन बातों का ध्यान रखना, और अभी एक्सपेरिमेंट करने ही वाले हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक आपने पढ़ा था
बैटरी तो आप सब लोग जानते ही हो, बैटरी होती है जैसे कैमरे की बैटरी है ये वाली, ये बैटरी है, इसके दो कॉइल्स होते हैं, ये हो गया नेगेटिव और एक तरफ होता है पॉजिटिव। अब बात करते हैं कि ये क्या है, कभी देखा है इस तरीके का? कल मैंने एक बताया था परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध को हमने दर्शाने के लिए ऐसा सिंबल यूज करके इसको काट दिया था, या फिर आप इसको इस तरीके से भी दर्शाते हो जैसे कल मैंने ओम का नियम बनाया था तो उसमें एक नीचे से आकर के ये तीर का निशान बनाया था, और ये तीर का निशान क्या कर रहा होता है, मैंने बोला विद्युत धारा परिवर्तन करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं, और विद्युत धारा परिवर्तन के लिए इसको हम बोलते क्या है, रोस्टेट, क्या बोलते हैं, रोस्टेट या फिर परिवर्ती प्रतिरोध, और ये वही है रोस्टेट या फिर परिवर्ती प्रतिरोध जिसका मैंने कुछ इस तरीके का डायग्राम आपके सामने प्रदर्शित किया था कि गोलाकार इस तरीके से होता है, इसमें यहाँ पे कॉइल लगी होती है और इसके ये दो स्टैंड होते हैं और दो कनेक्शन के लिए तार होते हैं, एक ऊपर क्या लगा होगा, स्लाइडर लगा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, परिवर्ती प्रतिरोध या फिर रो स्टेट, क्या होता है, रो स्टेट, आर एच ई ओ एस टी ए टी, रोस्टेट, क्लियर है। अब इस रोस्टेट के ऊपर स्लाइडर पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये 2 एम्पियर और 70 ओम का है, कितना है, 70 ओम का है, ये इसमें विद्युत धारा का मान और परिवर्ती प्रतिरोध कितना तक आप परिवर्तन कर सकते हो। कैसे परिवर्तन करते हैं, देखो इधर कनेक्शन के लिए एक सिरा यहां दिया होता है जिससे हम तार जोड़ते हैं, दूसरा सिरा यहां ये वाला ऊपर यहां पे लगा देते हैं, यहां से जो विद्युत धारा आती है वो यहां पे कोयल बनी होती है, क्या बनी है, कोयल बनी हुई है, और उस कोयल के अंदर यहां से डायरेक्ट कनेक्शन होता है जिससे कि इसमें विद्युत धारा बनी रहेगी। अब ये कोयल आपको अगर दिखाई नहीं दे रही होगी तो ये मार्कर का निशान देख लेना, कुछ इस तरीके से इसके अंदर तार लगे होते हैं, तारों को कुंडली बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, कुंडली, ये तारों की कुंडली चारों तरफ बनी हुई है। अब ये जो स्लाइडर है, इस स्लाइडर के यहाँ पे एक लोहे की पिन टाइप में है, ठीक है, तो जैसे ही आप इसको इधर मूव करवाओगे, स्लाइड कराओगे, क्रॉस करवाओगे, तो क्या होगा, ये लोहे की पिन जो है वो इन कोयल के टच करेगी, और जितनी कोयल को टच करती है, जितनी वाइंडिंग आगे तक चली जाएगी, जितनी कुंडलियों को क्रॉस कर जाएगी, उसके हिसाब से विद्युत धारा परिवर्तित होती है, क्या होती है, विद्युत धारा परिवर्तित होती है। तो विद्युत धारा परिवर्तन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किस तरीके से, ये स्लाइडर है, इस स्लाइडर को हम स्लाइड करवाते हैं, विद्युत धारा परिवर्तन के लिए क्या करेंगे, इस स्लाइडर को स्लाइड करवाएंगे तो अलग अलग हमें धाराओं के मान मिल जाएंगे, और उसके रेस्पेक्ट में वोल्ट मीटर क्या देगा, वोल्टेज हमें बताएगा जो कि दो बिंदुओं के बीच में होगा, क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आए होंगे आपको, और अभी आप यूज भी करेंगे हम, तो चलिए शुरू करते हैं ओम के नियम का सत्यापन, प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक सत्यापन, प्रायोगिक सत्यापन से मतलब है कि हमें प्रयोग करना है, हमें प्रयोग करके देखना है कि ओम का नियम सत्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब प्रयोग करने से पहले हमें प्रयोग के लिए सेटअप चाहिए, और सेटअप के लिए हमें उपकरण चाहिए, तो उपकरण मैंने आपको अभी अभी दिखा दिए, और हम अब क्या करेंगे, सेटअप करने वाले हैं। तो सेटअप किस तरीके से होता है, ओम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, तो उन एक्सपेरिमेंट के आधार पे मैं पहले यहाँ पे सेटअप बनाने जा रहा हूँ, थ्योरी हम बाद में लिखेंगे, या एक काम करिए थ्योरी आप लिख लीजिए, ओम ने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर नियम प्रतिपादित किया
जिसे ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। और यह है नियम, यह है नियम ओम ने प्रयोगों में परिवर्ती प्रतिरोध की सहायता से परिवर्ती प्रतिरोध की सहायता से विद्युत धारा में परिवर्तन करके विभवांतर में परिवर्तन का अध्ययन से किया। ओम ने विद्युत धारा तथा विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचकर इसका सत्यापन किया। किसी समान प्रतिरोध के लिए विद्युत धारा तथा विभवांतर के बीच खींचा गया आरेख एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। आरेख में क्या मिलेगा हमें? एक सीधी रेखा मिलेगी। ओम ने प्रयोग करे और विद्युत विभव और विभवांतर दोनों के मध्य ग्राफ खींचा और उस ग्राफ से हमें क्या मिला? एक सीधी रेखा मिली, जो कि हम अभी निकालने वाले हैं। तो इसलिए आप एक काम कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, देखो उसके लिए हम पहले परिपथ चित्र बनाते हैं कि ओम का परिपथ चित्र क्या था। तो परिपथ चित्र परिपथ चित्र के अंदर ओम ने क्या लिया? एक सेल लिया, बैटरी ली, और इस बैटरी का ये धनात्मक सिरा है, ये ऋणात्मक सिरा। इस ऋणात्मक और धनात्मक से हम क्या लगा देते हैं? कुंजी लगा देते हैं। और कुंजी किस तरीके से थी? ये इस तरीके से होती है कि ये इसका एक सिरा जो है वो एक तार इस बैटरी के यहाँ पर लगा दिया, और इसका दूसरा सिरा जो होगा वो हम आगे पास कर देंगे और ये इस तरीके से कुंजी लग जाएगी। जब आपको इस कुंजी को बंद करना है यानी बटन चालू करना है, तो बटन चालू करने के लिए हम क्या करते हैं? ये वाला इसके अंदर लगा देंगे। तो जैसे ही ये इसके अंदर लगाएंगे क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। और अगर आप इसको हटा लेते हो तो ये दोनों तार आपस में अब कनेक्टेड नहीं है। जब तार कनेक्ट नहीं है तो क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। इसलिए जब आप डॉट नहीं लगाते हो इसका मतलब क्या है? खुली है। और जैसे आपने डॉट लगा दिया इसका मतलब कुंजी इसके अंदर लगा दी है।
क्लियर है। और ये कुंडी का अगला सिरा जो है वो हम कहां लगाएंगे, रोस्टेट के पास लगाएंगे। किसके पास लगाएंगे, रोस्टेट। ये रोस्टेट हो गया, क्लियर है। अब इसका दूसरा सिरा यहां से आएगा और यहां पर हम लगा देते हैं एमिटर। क्या लगा देते हैं, एमिटर। ये धनात्मक सिरा है तो धनात्मक को धनात्मक से जोड़ दो और यहां पे एक ऋणात्मक सिरा आ जाएगा और इसको आगे की तरफ चला दो। अब क्या हो रहा है, एमिटर हमने कनेक्ट किया है तो एमिटर क्या किया, वापस ये सिरा इसके साथ जोड़ दिया, ये सिरा इसके साथ जोड़ दिया, धनात्मक को धनात्मक के साथ, ऋणात्मक को ऋणात्मक, और हमने सर्किट आगे कंप्लीट कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमें एमिटर के अंदर विद्युत धारा मिल जाएगी और धारा की दिशा क्या होती है, हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। अब यहां पर एक प्रतिरोध लगाया, यानी एक अलग तार लगा दो जो इस तार से अलग है ताकि आपको प्रतिरोध अलग मिल जाए, और अलग प्रतिरोध लगा करके इसके सिरों पर हमने क्या लगा दिया है कि वोल्टमीटर लगा दिया और ये कुछ इस तरीके से बन गया। और वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध हम ओम के नियम में लगाते हैं, देखो इधर ये वोल्टमीटर है तो ये हो गया, इसका एक सिरा इस पे जोड़ दिया, दूसरा सिरा इस पे जोड़ दिया, एक सिरा इधर दूसरा सिरा इधर। कुछ लोग बोल रहे होंगे धनात्मक को धनात्मक से नहीं जोड़ा रहे, ऐसे जोड़ दो यार, मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि एक सिरा इधर जोड़ देंगे, एक सिरा इधर जोड़ देंगे। और जो आपका तार है ऊपर वाला, ये जो रेजिस्टेंस आर है, प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध क्या रहेगा, ये वाला हो गया, क्लियर है। मतलब ये एक सिरा जुड़ा जो कि वोल्टमीटर का था, ये एक दूसरा सिरा जुड़ा जो इस वोल्टमीटर के इस सिरे पे है, और इन दोनों के मध्य जो तार है वो ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। तो ओम के नियम में इस तरीके से बन गया। और इसके बाद आगे ले जाकर के इसी तार को हम जोड़ देते हैं रोस्टेट से। किससे जोड़ देंगे, रोस्टेट से। और रोस्टेट किस तरीके से कनेक्ट होगा, ये इस तरीके से लग जाएगा, यहां पर ये इस तरीके से लग गया। अब ये जो तार आ रहा था वो यहां पे जुड़ जाएगा और इसका ये जो कनेक्शन तार आ रहा है, देखो ये एरो लगा हुआ है तो एरो वाले को हम जोड़ते हैं इससे, एरो को इससे जोड़ेंगे और यहां पर ये क्या हो जाएगा, स्लाइडर लग जाएगा। स्लाइडर यहां जो तीर का निशान है वो स्लाइडर को शो कर रहा है जो यहां पे खिसकने वाला होता है, जो इस तरीके से यहां पे मूव कर रहा होता है, क्लियर है। ये इस तरीके से रोस्टेट होता है। अब देखो इस तीर के निशान को जब आप यहां रखते हो या इधर रखते हो कोई सी साइड में जहां पे आपको कम से कम विद्युत धारा मिल रही हो, जब आप कम से कम विद्युत धारा वाले स्थान पे रखोगे, मान लो यहाँ पे कुंडली स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे धारा का मान सबसे कम है, अगर धारा का मान सबसे कम है तो इसके लिए धारा का मान यहाँ पे मिलेगा। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा इधर करूंगा तो इसके अंदर सुइया क्या होगा, परिवर्तन होगा, और इसमें परिवर्तन होगा तो हमें क्या दिखा रहा होगा कि अब धारा का मान बढ़ रहा है, धारा का मान क्या करेगा, बढ़ेगा। अब जो दूसरी धारा का मान बढ़ा वो यहाँ पे क्या दिखाएगा आपको, वोल्ट मीटर के अंदर भी परिवर्तन शो करेगा, यानी वोल्टेज का मान, विभवांतर का मान इस धारा के सापेक्ष कितना बढ़ा है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और वो शो होने के बाद में आप रेजिस्टेंस जो है वो एक कॉमन रेजिस्टेंस है, और आप क्या करोगे, एक ग्राफ बनाएंगे जो कि यहाँ पे आप ले लो आई ले लो और यहाँ पे वी ले लो, इसमें एक्स एक्स का आई ले लिया, इधर वी ले लिया, और इन दोनों के मध्य ग्राफ क्या मिल जाएगा आपको, एक सीधी रेखा मिल जाएगा, क्लियर है। ये है ओम का नियम का प्रायोगिक सत्यापन। तो करते हैं इसको, ये परिपथ चित्र आप एक बार बना लीजिए, परिपथ चित्र ड्रॉ कर लीजिए। चलिए प्रयोगों से भिन्न भिन्न धारा के मान के लिए भिन्न भिन्न विभवांतर का मान विभवांतर का मान
वोल्ट मीटर की सहायता से, वोल्ट मीटर की सहायता से हमें प्राप्त होता है। अब देखिए ओम के अकॉर्डिंग क्या था, V बराबर आई आर, यानी V बट्टा आई का मान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। V बट्टा आई का मान क्या होना चाहिए, माना प्रथम प्रेक्षण में, प्रथम प्रेक्षण में, प्रेक्षण का मतलब होता है जो आपने रीडिंग ली है पहली बार में, जो आपको मान मिला है प्रथम प्रेक्षण में धारा का मान 2 एम्पियर के लिए विभवांतर का मान 4 वोल्ट है। ये हम सिर्फ मान रहे हैं आपको समझाने के लिए, इसके अंदर पॉइंट में मान लेना पड़ेगा, कम मान लेना पड़ेगा। और 2 एम्पीयर के लिए कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट है, इसका मतलब अतः रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अतः प्रतिरोध जो है आपका उसका मान अगर आपको निकालना है तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 4/2 = 2 ओम मिल जाएगा। प्रतिरोध का मान कितना मिलेगा, 2 ओम। लेकिन इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ये आपको पहले से पता है क्योंकि आपने लगाया है। अगर आपको प्रतिरोध निकालना है तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपने लगाया है तो आपको पता है। और अगर आपको पता है तो उसके सापेक्ष जैसे ही आप 2 एम्पियर करोगे तो वोल्टेज का जो मान है, वोल्ट मीटर में जो मान है वो रीडिंग है वो कितनी आनी चाहिए, 4 वोल्ट आनी चाहिए। अगर 4 वोल्ट आती है तो ओम का नियम सत्य है, नहीं तो ओम का नियम क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और ओम का नियम असत्य कहां पे होता है, अनओमीय प्रतिरोधों के लिए, क्योंकि कुछ धातुएं ऐसी होती है जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है और उनको हम अनओमीय बोलते हैं। और ये आप क्लास 12th में जब आओगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा कि ओमीय और अनओमीय क्या होता है। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि आपके सिलेबस में जितनी है वो सब ओमीय ही है और वो सब क्या कर रही है, प्रतिरोधों का पालन कर रही है। ओमीय का मतलब ओम के नियम का पालन करती है धातुएं, अनओमीय का मतलब ओम के नियम का पालन नहीं करती है। और अगर आपने यहाँ पे 2 एम्पियर दी, 4 वोल्ट आ गया, अब आपको क्या करना है, रोस्टेट को उठाना है जो कि आपने यहाँ पे लगाया था। इस रोस्टेट को क्या करेंगे, ये स्लाइडर आगे किसका हो गए, स्लाइडर किसका से क्या होगा, ये जो कुंडली थी इस कुंडली के अंदर फेरों की संख्या बढ़ जाएगी। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ेगी तो उससे विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो द्वितीय प्रेक्षण में धारा का मान आप परिवर्तित कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से रोस्टेट का स्लाइडर आगे पीछे खिसका करके कर सकते हैं। तो द्वितीय प्रेक्षण में माना धारा का मान कितना है, मैं मान लेता हूं कितना आया, 3 एम्पियर लिया है मैंने, 3 एम्पियर है। अगर आपने धारा का मान 3 एम्पियर लिया है, प्रतिरोध आपके पास में 2 ओम का है जो कि हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर के अंदर ये प्रतिरोध लगाया था, तो ये तार अभी भी वही है जो पहले था। इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध अभी भी वही है जो पहले परीक्षण में था, और प्रतिरोध अभी भी वही है तो अभी कितना है, 2 ओम है। पहले कितना था, 2 ओम था। इसका मतलब आपका वोल्ट मीटर जो होगा वो रीडिंग परिवर्तित कर देगा, और वो रीडिंग कितनी आएगी, तब वोल्ट मीटर में मान लगभग 6 वोल्ट आएगा। अब ये जब आप परीक्षण करते हो तो अपना जो प्राकृतिक है, इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, वातावरण है, उस वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। इससे क्या होगा कि आपको 6 वोल्ट एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, 6 वोल्ट की जगह क्या मिलेगा, या तो थोड़ा सा 6 से कम मिलेगा या थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, ऐसा हो सकता है। और फिर जब हम रीडिंग लेते हैं बहुत सारी, तब हम देखेंगे कि वोल्ट ओम का नियम क्या हो रहा है,
है सत्यापित हो रहा है। तो एक बार मैं चित्र को मिटाने जा रहा हूं, ये आप बना लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं, अलग अलग मान अगर आपके पास मिल गए हैं तो ओम ने क्या करना है, ग्राफ बनाना है और इस ग्राफ के अंदर यहाँ पे विभवांतर और यहाँ पे धारा, धारा को I से दर्शाते हैं, विभवांतर को V से दर्शाते हैं। ग्राफ बनाना सबको आता है, इसके अंदर हम पैमाना लेंगे, पैमाने के अंदर I का जो एक एम्पियर है वो आपका ग्राफ का एक सेंटीमीटर हो सकता है, दो एम्पियर एक सेंटीमीटर हो सकता है, वो जिस हिसाब से आपकी रीडिंग आती है उस हिसाब से आप बना सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, धारा का मान, मान लो पहले दो एम्पियर था तो दो के लिए V का मान कितना आ रहा है आपके पास, चार, तो ये दो और ये हो गया चार, दोनों को मिलाओ और यहाँ पे पॉइंट बन गया। उसके बाद जब धारा का मान तीन एम्पियर होगा, ये तीन एम्पियर है, उसके लिए V का मान छह वोल्ट आ रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और जब आप इन बिंदुओं को मिलाओगे तो आप देखोगे कि V और I के मध्य जो ग्राफ खींचा गया है वो कैसा ग्राफ है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और इस सीधी रेखा प्राप्त होने का मतलब है क्या है कि V I के समानुपाती है, V क्या है I के समानुपाती है। इस ग्राफ से प्राप्त आरेख का अध्ययन करके हम कह सकते हैं कि विद्युत विभव के समानुपाती होती है। विद्युत धारा किसके समानुपाती हो रही है, विद्युत विभव के समानुपाती हो रही है, या फिर आप कह सकते हो विभवांतर के समानुपाती हो रही है। ये था अपना ओम का नियम और ओम के नियम का ये सत्यापन था। अब आगे हमने प्रतिरोधों के बारे में बताया कि प्रतिरोध क्या होते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कुछ भी दिक्कत रहती है एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में या फिर अभी आपने उपकरण देखे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेज सकते हैं, हम आपकी क्यूरी का सोल्यूशन कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।